हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएसए स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर की ड्यूटीज क्या होती है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो भी सुपरवाइजर है उसको उसकी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम सुपरवाइजर की वही जिम्मेदारी जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वर्कर को जो है उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वर्क मेथड और प्रोसीजर क्या है उसके बारे में। फिर उसके बाद है कि वर्कर के बीच में जो है जो भी डिसिप्लिन है उसको भी उनको मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी नेसेसरी मटेरियल है उसको भी सप्लाई करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। फिर उसके बाद है कि क्वालिटी को कंट्रोल करना और जो भी जॉब का कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि जो भी जॉब चल रहा है तो उसमें कौन सा करेक्ट वे है, कौन सा सेफ वे है जिससे जो है वर्कर को काम करना चाहिए, तो इसके बारे में जो है वर्कर को गाइड करना ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि सूटेबल जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है तो वो जो है वर्कर को सप्लाई करना ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी मीटिंग्स को पीरियोडिकली जो है कंडक्ट करना वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि उसका जो वर्किंग एरिया है तो उसका सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट करना वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि फायर फाइट जो इक्विपमेंट्स है तो उसके बारे में उसको जो है पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि जो भी साइट पर एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसके बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए। साथ ही साथ उस एक्सीडेंट का क्या कॉज है उसको कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। तो ये जो सारी जिम्मेदारी है ये सुपरवाइजर की होती है जो आपको पता होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सुपरवाइजर के ड्यूटीज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।